सही सही सवेरे में एक आदमी को ठीक ठाक आदमी सेठ आदमी था सफेद पोज था लड़ाई करे आदमी नज नहीं होता नजर मार लेता मैंने सिरे में उसको यही बोला भाई खाने तो खिला दो यार मेरे पास पैसे नहीं है। सही सही उसने कितना दिया मेरे को 2 रुपए। अच्छा मैंने वापस कर दिए मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ मैं अलबत्त मेरी मजबूरी है मेरे पास पैसा नहीं है हमने खाना 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 खिला सकते हैं तो खिला ये 2 रुपए रख सही सही मैं फकीर नहीं हूँ। वालेकुम सलाम बाबा जी के नाम है ताडा करीम बख्श। करीम बख्श जी जी सर के काम करते हो मजदूरी मजदूरी हाँ जी। अच्छा सर रियाज ताडे कितने है रियाज मेरी वैसे थे वो शरीफ है सही तो इधर आया था काम करने के लिए मिस्त्री वहीं का है हमारे इलाके का वो लेके गया था मेरे को खानेवाल पे सही ये छतों की भराई का काम करते हैं सही सही तो हमारे पास आए बेटियां बेटे नहीं है। अच्छा बेटे भी नहीं है घरवाली भी फौत हो चुकी है 4 बेटियां हैं सही सही उनमें से हमने एक का ब्याह कर दिया है बड़ी वाली का उससे छोटी हम 2 जवान है अभी सही उनका भी करना है उनका करना है अभी इस टाइम में तुम्हें साची बात बताऊं मेरा शिनाख्ती कार्ड भी और 2000 रुपए भी एक जोड़ा कपड़ों का भी सही एक बूट था हमारे पास वो कटा गया है फुटबारी के ऊपर सोया हुआ था घर तो नहीं था। अच्छा किसी ये स्टेशन पे से हाँ इधर इस शहर में शहर में ये नहीं अपना रात का टाइम अजीज होटल वाली साइड पर हाँ हाँ रात की ट्रेन थका हुआ आया था गुरबत की कंजूसी से वहाँ पे हमने किराया नहीं भरा सही सही वो तेरे क्वाक दूसरे क्वाक जैसे ये मोटरसाइकिल वाले आते हैं कुछ ये लेके आए कुछ पैदल चल के आए अभी कुछ ये पैसे बच जाए। अच्छा हमारे दिल की सोच ये थी मेरे को पैसा पर नसीब नहीं था वो अल्लाह के बंदे काट के ले गए जे भी सब कुछ भी अभी तो धक्के जाल रहा हूँ भाई बड़ा अफसोस जाने के लिए भी किराया नहीं है किसी से अगर खाना मांगते हैं तो वो कहते हैं बला हो भाई चुप करके चले जाते हैं क्या कर रहे हैं। सही बड़ा अफसोस लगा आपके ये कहानी सुन के क्या करे भैया तो थोड़ा सा ये है भाई आपके सामने हालात है महंगाई की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है महंगाई की वजह से महंगाई भी है दूसरी बात ये है गुर्बत भी है इधर बस वो महंगाई की वजह से ही गुरबत है ना अगर महंगाई ना अल्लाह ताला ने कैसे पसंद मेरे को हिम्मत दी है जो हमने उस वक्त कसम हमारी घर वाली जिंदा दी हमने 3 मरले जमीन खरीद ली मजदूरी से मकान अपना बना लिया एक मकान अपना है तो कौन सी जगह पे वो है इधर अपना हमारे को जिला ये मुजफ्फरगढ़ का लगता है सही सही है अपना जिले की आखिर में नाली ने दूसरा अलीपुर का जिला लगता है फिर सही है चना वाली साइड पर थाना हमें लगता है रुला वाली रुला वाली सही सही रुला वाली मतलब रियाशा जी जनाब सही सही तो इधर अब काम शाम लग गया आपका कि नहीं नहीं अभी तक लगा सुबह का मैं सुबह का क्या बताऊं तुम्हें मैंने कल की नींद नहीं की। अच्छा वैसे ही चल रहा हूँ अगर कहीं पे बैठा हूँ कहीं पे उठ जाता हूँ कहीं पे बैठ जाऊँ कहीं पे उठ जाता हूँ ऐसे होटलों पे रात को होटलों पे गुजार के 10 मिनट उधर 20 मिनट उधर एक जगह पे नहीं बैठने देते सही। पुलिस वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो तंग नहीं किया उन्होंने या उल्टा पुल्टा काम करने से हमारा क्या वास्ता है हमारी उम्र को तो देखो जी जी। क्या किसी ना कोई अच्छा करे या बुरा करे जब हमारे साथ हो गया हम क्या करेंगे किसी का हमने अल्लाह से ही मांगना है सही चाचा रे नाल मतलब कितने जात के था ये जो भूखे भी था कर मतलब हैं जिन्होंने मतलब बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा जवान बेटी भी थे सही जी जी बिल्कुल सही है कोई गल नहीं बुजुर्गों कोई गल नहीं अल्लाह खैर करे सी तुहाडे वास्ते लाजमी जिहड़ा है भैया मैं भूख कन रोटी मंगी है मैं रात रोटी का ही मिली मैं कुछ भूखा सो गई है सही उन्हें भरोसा दे सवेरे में एक आदमी को ठीक ठाक आदमी सेठ आदमी था सफेद पोज था लड़ाई करे आदमी नज नहीं होता नजर मार लेता है मैंने सिरे में उसको यही बोला भाई खाने तो खिला दो यार मेरे पास पैसे नहीं है।
उसने कितना दिया मेरे को? 2 रुपए। अच्छा, मैंने वापस कर दिए। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। मैं अलबत्त मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसा नहीं है। हमने खाना खिला सकते तो खिला, ये 2 रुपए रख। सही सही, मैं फकीर नहीं हूँ। मेरा ये पेशा नहीं है, मजदूर ठीक है हम, गरीबी हूँ लेकिन मांगने वाला नहीं हूँ मैं। सर स्पेशली जो है हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह करेगा आपका मसला हल हो जाए। तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूंगा जरूरी। तो मेहरबानी होगी भाई, अगर आपने कोई हेल्प कर दी तो जी आपकी मेहरबानी होगी। कोई नहीं भी करेगा तो फिर भी अल्लाह भला करे उसका, जितने भी है हर मुसलमान भाई को अल्लाह भला करे। हमने क्या किसी से भैया लेना देना है, जिंदगी से जीने गुजर रहे हैं, जब मर जाएंगे तो मिट्टी सुहा हो जाएंगे। इस दुनिया में क्या है झूठ मारने से। सर जितना हो सकता था हमने अपनी तरफ से आपके लिए हेल्प कर दिया है। बाकी जो है दुआ आप करना, और हमारी दुआ स्पेशली आपके लिए, अल्लाह पाक आपके लिए अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, खुशियां दे। मुश्किल का सामना खुदा ना कराए किसी को भी, आपको भी। कोई भाई है मुसलमान, औरत है, मर्द है, मैं हर भाई के लिए दुआ मांगता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। गाइस जी मैं तो संडे दे पे आवे के बुजुर्ग नाल मतलब बड़ा ही बुरा थे उस दे नाल, दुआ करे ने ए वक्त अल्लाह पाक जड़ा है कहीं को ना लिखा हुआ है इन बुजुर्ग नाल मतलब वारदात थी है। तो तारे सामने लिखा है तो वो गरीब रोवन पै गए। खैर असा अपने मतलब गुंजाइश के मुताबिक उनकी थोड़ी बहुत हेल्प तो की है, जितना मतलब असा आसानी नाल अफोर्ड कर सकते अस। बाकी दुआ है कि अल्लाह पाक मतलब धन्यवाद फरमावे। खैर टाइम सारे को मजीद शार्टी है असं दे दें बेड़ा बिया मतलब कौन इंटेलिजेंट बंदा आंदे जरा सारे गप छप लावे। तू को पहले शाजी हरी खड़न सारे नाल थोड़ा जहा इन्ह गप छप लेने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाईजान क्या हाल है? क्या हाल है शायद? ठीक ठाक हो तो वैसे? ठीक है ठीक, शुक्र है। तू सुना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। क्या थी ना पैक कल? बस पेस्ट्री से कम करे नहीं है भाई। अच्छा, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ठीक रोजी देना पे। सही सही, अल्लाह का करम है। सही, अल्लाह से दुआ ना ले, मेहनत करे नहीं अल्लाह ताला जरूर दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये दसो आवाम को क्या आखना चाहो, कोई अच्छा जो पैगाम या कोई मैसेज औलाद माँ बाप बारे सोचे, प्यो माँ औलाद बारे सोचे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चंगाई करे सी, लेकिन एको वक्त नहीं रहा इंसान बदल वेंदे, लेकिन कुछ सोचना चाहिए इंसान को भी मैं हूं केड़े हिसाब न चलने, माँ बाप से किवें इज्जत करा, किवें इहतराम करा। तो अगर इज्जत करे सन तो चार बंदे बह भी करे सन, जो ना करे सन तो बीए कोई नहीं करे ना। औलाद इस वास्ते होंगी है प्यो माँ की इज्जत करे, प्यो माँ उन्होंने को अच्छा समझे, प्यो माँ का बाद दुआ नहीं देता, प्यो माँ दुआ दें दे, इंशाल्लाह मेरी औलाद अच्छी रहे। बस कोशिश करें इंसान अपने आप को माहौल चो बदलना, अच्छे माहौल वंजना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे सी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करे सी। मेहनत करो, मेहनत तो फल जरूर अल्लाह ताला दें दे, हक औलाद दी करो ता। ठीक ठीक। इन अलावा भी है कोई मैसेज? भी हम मैसेज यो है उन सा को बुजुर्ग जड़े मिले इन नाल वाकया ते गए थे सुते पया इन दे जेब च 2000 रुपया निकल गए, कोई भी सामान वगैरह भी शनाख्ती कार्ड ते पर्स जी में होंदे मतलब बाकी कपड़े वगैरह याद है वो इन हाल में चाह कर चोरा वास्ते तो क्या आख सो भाई इन्हों को कोई शर्म या करनी चाहिए या कोई ना। अल्लाह ताला इन्हों को हिदायत देवे, हक हलाल दी करें, लेकिन इन खावन कुछ नहीं बनता हराम खावन नाल। मेहनत करें इंशाल्लाह ताला जरूर दुगनी दें दे, और माशाल्लाह ठीक ठाक इज्जत भी दें दे इंसान को। हक हलाल दी मेहनत करना कहना हक खावना ये बड़ा जुर्म है, ये जान ना अगले जान जरूर दें दे। सही सही। कहाँ रिहायश आपकी? डबल फाटक लियाकताबाद में, किराए पे रहती हूँ। इतना किराया नहीं है जितना बिल आ रहा, 10,000 किराया था पिछले से, पिछले महीने 30,000 बिल आ गया। सही, एक दफा 15 आ गया, एक दफा 18 आ गया। सही, किराया 10 है, बिल इतने हैं, अखराजात 4 बच्चे हैं। सही, बच्चे छोटे हैं आपके? जी बेटे हैं माशाल्लाह, बेटियां भी हैं, छोटी नहीं है इतने माशाल्लाह, 14-14 साल 15-15 साल ऐसे हैं।
कि महंगाई तो इतनी है कि सर फोड़ रखा। अब सुबह की गई हूँ मैं, अब काम पे से आई, ये मेरे सर पे सबूत रखा हुआ सर। तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं घंटा घर खाने वाला डे करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आंटी शुक्रिया। आटे में भी ये जो टल्टी स्टोर वाला आटा, हाँ जी, जो 600 का दे रहे हैं, इतना गंदा आटा रहा दुकानों पे, 1500 का, 1450 का, वो बंदा ले नहीं सकता, ले नहीं सकता, हफ्ते के लिए भी नहीं आता, सापरों में आटा लेके आता, क्या करें, हो तो ले आने के भूखे बैठे। ये महंगाई का दिखे भाई, कितनी आवाम परेशान है महंगाई की वजह, तो बड़ी जोर की बेरोजगारी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नदीम शाह। नदीम शाह जी, तो नदीम साहब क्या काम करते हैं आप? मेरा पान का काम है। पान की दुकान है आपकी जी? तो सर महंगाई के हिसाब से आप क्या करना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत, महंगाई तो बहुत तेज है भाई, सही, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। आप जैसे कारोबारी बंदे का भी? जी बिल्कुल, हमारा तो अब काम वो रहा भी नहीं है जो पहले था। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई मैसेज? बस यही कुछ था। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल गफार। अब्दुल गफार साहब जी जी, क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं बैग बस्तेकार। बैग बस्तेकार जी जी। सर सवाल हमारा ये है भाई, आजकल के जो नस्ल है ज्यादातर लोग नशे पे लग रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ से रख के वो आगे तक चले जाओ, सारे नशे ही नशे, तो आप बता सकते हैं किस वजह से ये काम करते हैं? यार ये असल में कुछ तो बेरोजगारी, सही, कुछ कमजोरी खुद की, सही। मैं खुद भी इस टाइम थाने से रिलीज होके आ रहा हूँ। अच्छा, अगर ये लाइव है तो लाइव चलता रहे। जी जी चल रहा है। हाँ सही, मैं इस टाइम थाना कैंट से रिलीज होकर आ रहा हूँ। सही, मैं बैग बस्ते का कारीगर हूँ। उससे पहले मैं एक कामयाब कारोबारी बंदा था। सही सही, मेरा खुद का कारोबार था। सही, बहुत बड़े लेवल का। जी जी, नशे पे लगा, उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। अभी किसी कारखाने में मजदूरी करता हूँ। अभी मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद जो सबका रिकॉर्ड है, थाने के पर्चे हैं, उनकी बिना के ऊपर हर 12वें महीने के अंदर हमें उठा लिया जाता है। अच्छा जी जी, तो ये पिछले पर्चे पे आपको उठा लिया गया था? अभी बैक डेटों के एहतसाब की वजह से मुझे उठा लिया गया था। सही, अभी मैंने वहाँ पे ड्रामा किया है, खुद को जरबे लगाई है, देखे मुझे चोट आई हुई। हाँ हाँ, ये चोट आई हुई है वाकई। जी जी, ये थोड़ा करीब करके दिखाओ। जी जी, ये चोट वाकई आई हुई। जी जी सर, ये जानबूझ के मैंने वहाँ पे ड्रामा किया था, तो फिर उन्होंने जान छोड़ी है? फिर मेरी जान छोड़ी। अच्छा, और 200 रुपए किराए भी दिए, जिसकी बिना पे अब मैं घर जा। सही, तो इस टाइम आप क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं, कि मैं, क्योंकि 5 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया होगा, मुझे मालूम है। सही, खाया भी होगा तो लोगों की हकीर नजरों से खाया होगा, जैसे कि ससुराल ख्याल रखने वाला है, वो बेशक बेशक उसने बेहतर ख्याल रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, तो उसकी टेंशन ना लें आप। तो वैसे आप ये बताएं भाई, इस टाइम आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि मुझे उन्होंने डराया हुआ था कि आपको 9C का पर्चा देंगे। 9C का मतलब ये है कि कई सालों के लिए जिंदगी खत्म खत्म। सही, अभी 9C के लिए मैं पहले भी इसी थाने की नजर हुआ था, इन्होंने 2 किलो का मुझ पर पर्चा दिया था ऐसे नजायज। सही, मुझे निश्चित से पकड़ा था, मैं अपनी याद लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम लोगों के मोबाइल वगैरह या पॉकेट मारने के लिए आए हो, उसकी बिना के ऊपर 8 दिन लगने के बावजूद मुझे 9वें दिन उन्होंने 2 किलो का पर्चा दिया था, 1440 ग्राम का। उस टाइम जो यहाँ पे मुहर्रर थे वो थे बशीर कट थाना कैंट के। सही जी जी, वो रहने वाले हैं इधर मोनिशा के इलाके के। सही, मोनिशा मतलब शेरशाह वाली साइड? शेरशाह वाली साइड। जी जी जी, सही। तो उसके बाद मैं तकरीबन 6 महीने और 27 दिन रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में। सही, जहाँ पे जज राणा अतीकुर रहमान के पास मेरा फैसला हुआ है, जिन्होंने मुझे बाइज्जत तौर पे बरी किया। सही, वो राह वाली गुजरांवाले के रहने वाले थे, बहुत अच्छे इंसान थे। सही सही, उन्होंने हक की बिना के ऊपर जो है ना फैसला किया था, जिसमें उन्होंने मुझे बरी किया था।
सही, और मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, अभी उनका तबादला कर दिया गया। जबरदस्त, चले आप दुखी ना हो, ये है अभी पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, जो मतलब बिना सोचे समझे मतलब लोगों की हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो ठीक है सर, अजाने हो रही है। हाँ, अल्लाह पाक, मैंने भी सलाम, नमाज पढ़ी। थैंक यू सर।